हेलो फ्रेंड्स, तीन पार्ट्स के अंदर हम अभी पार्ट वन के अंदर डिसोल्यूशन के ऑलरेडी तीन एंट्री सीख चुके हैं कि किस तरीके से असेट्स एंड लायबिलिटीज के पहले हमें अकाउंट क्लोज करने हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था बताओ कि असेट्स रिलाइज होंगे कैसे और लायबिलिटीज कैसे रिलाइज होंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो एंट्री है सब उसकी बात करते हैं। देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे पहले होते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं बात करूँ आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करोगे? जो आपकी बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, ये किसी और को सेल आउट करोगे तो ट्रांसफर पेपर्स बनेंगे उसके उसके नाम पर। या आप लॉयर हायर करोगे जो सारे एग्रीमेंट को देखेगा, प्रोसेस को देखेगा, क्रेडिटर्स के सेटलमेंट को देखेगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे कहलाते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेंस है। और कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि इससे हमारे असेट्स बहुत ही बढ़िया क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन अब ध्यान से समझना जो मैं बात बताने जा रहा हूं। इफ पार्टनर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर रियलाइजेशन प्रोसेस, अगर आपने रियलाइजेशन प्रोसेस के लिए किसको अपॉइंट किया है, पार्टनर को अपॉइंट किया। अब पार्टनर अगर कोई रियलाइजेशन प्रोसेस को देख रहा है तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि वो इसके लिए कमीशन ले रहा है या इसके लिए वो कमीशन नहीं ले रहा। मतलब कमीशन इज प्रोवाइडेड। हमने क्या किया, तीन पार्टनर है सपोज ए बी सी। ए को बोला यार पूरा जरा रियलाइजेशन प्रोसेस देखो, इसके अंदर कोई गड़बड़ी वबड़ी ना हो, आप अपने ऑब्जर्वेशन में सारा काम करवाओ। तो माइट भी हम इसके लिए ए को कमीशन दे रहे हो और माइट भी इसके लिए हम ए को कुछ रेमुनरेशन ना दे रहे हो। कमीशन इज प्रोवाइडेड और कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड। ध्यान से देखिए, अगर आप पार्टनर को कमीशन दे रहे हो रियलाइजेशन प्रोसेस देखने के लिए, पार्टनर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर रियलाइजेशन प्रोसेस एंड हम उसे कमीशन दे रहे हैं, तो जो भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो पार्टनर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट विल नॉट बी बॉर्न बाय द फर्म। बड़े ध्यान से सुनना, ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर सो अपॉइंटेड। अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, इसका क्या मतलब है? अगर पार्टनरशिप डीड में ही लिख दिया या पार्टनर को अपॉइंट करते हुए लिख दिया, पार्टनर को अपॉइंट करते हुए ही हमने ये बोल दिया कि आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम आपको कमीशन भी देंगे और एक्सपेंसेस भी देंगे, तो फिर बात ही अलग है। बट अगर आपने पार्टनर को अपॉइंट किया है फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन और आप उसे कमीशन दे रहे हो और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ या कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो जितने भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो पार्टनर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप थ्योरी समझो, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। कमीशन नहीं प्रोवाइड कर रहे पार्टनर जो है, बस वो चैरिटी के अंदर यहाँ सब कुछ ठीक है वो प्रोसेस को देख रहा है, तो ऑब्वियसली इस केस के अंदर जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं दैट विल बी बॉर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय पार्टनरशिप फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो पार्टनरशिप फर्म, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फर्म जो है वो बॉर्न करेगी।
अब इसका हमारी अकाउंटिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर हम कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, येस और नो? तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना, फॉर प्रोवाइडिंग कमीशन। कमीशन प्रोवाइड करने की क्या एंट्री होगी बताओ सर? कमीशन प्रोवाइड करने के लिए क्या एंट्री होगी? फर्म के लिए एक्सपेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई क्योंकि उसे तो कुछ मिल ही रहा है, कैपिटल हमने बढ़ा दी। बट इस केस के अंदर, ये केस वन है जिसमें हम कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या हम कोई एंट्री करेंगे? क्या हम कोई एंट्री करेंगे? हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। वाई? क्यों नहीं कर रहे बताओ? बिकॉज इट्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी, यू कैन से, ऑफ पार्टनर। बट हाँ, क्वेश्चन में लिख दिया उसने, नहीं कमीशन भी देंगे और एक्सपेंस भी देंगे। अगर उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दिया तो फिर बात अलग है। समझ में आ गई बात? हाँ। केस टू, कमीशन प्रोवाइड नहीं कर रहे तो भैया फिर वही ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होगी, कमीशन इज नॉट प्रोवाइडेड। तो जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आप पार्टनर को कंपनसेट करोगे। उसने अपनी जेब से लगा दिया, पार्टनर को कंपनसेट कर दो, क्या एंट्री करोगे बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया क्यों किया हम इस क्या कर रहे हैं यहां पर सर? हम पार्टनर को कंपनसेट कर रहे हैं। तो आपको जो मेन बात सारी की सारी ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है बेटा? चलो फटाफट रिपीट करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश। हम ये देखेंगे क्या पार्टनर अपॉइंट हुआ है रियलाइजेशन के लिए? सर हुआ है। हुआ है तो आप ये देखो उसे कमीशन दे रहे हैं? सर दे रहे हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं, उसे एक्सपेंसेस की भी पेमेंट करेंगे, तो फिर कर ही दो। वही वाली बात है, तुम अगर दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे। कमीशन नहीं दे रहे तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पार्टनर अपॉइंट हुआ है, रियलाइजेशन प्रोसेस देखेगा, बट कमीशन नहीं दे रहे तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हम उसे पेमेंट करेंगे, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर अपॉइंट हुआ ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मैंने भी आपके साथ ये करी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, ऑलमोस्ट ये लास्ट डिस्कशन ही होती है, इसके बाद बड़ी बेसिक बातें हैं। आइए, समझ में आ गया आपको यहां तक, आगे बात करते। अब जो फिफ्थ पार्ट आपका आता है, प्रॉफिट एंड, या चलो प्रॉफिट एंड लॉस भी छोड़ो, उससे पहले मैं आपको एक पार्ट और बता दूं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स। ध्यान से समझो इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ। डिसोल्यूशन में थोड़ी सी चीज अलग है। अगर फ्री रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स बेटा मैं एक्चुअली यहां पर दो ही चीजों को बोलूंगा, एक P&L क्रेडिट बैलेंस को और एक मैं बोलूंगा आपके जनरल रिजर्व। तो ये तो सीधे सीधे आप पार्टनर की कैपिटल में बांट दोगे, ठीक है? क्या एंट्री होगी बताओ? P&L डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। बट अगर रिजर्व
वैसे वर्ड प्रॉपरली यूज होता है, चलो मैं भी बताता हूं, रिजर्व अगेंस्ट असेट है। अब रिजर्व अगेंस्ट असेट, वैसे रिजर्व वर्ड यूज नहीं होता, अगर अगेंस्ट असेट कुछ बोलता है उसे हम फंड बोलते हैं। कौन से फंड होते हैं बताओ, असेट या लायबिलिटी के अगेंस्ट। एक पढ़ा है आपने मेरे साथ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, पढ़ा है बेशर्मो है, पढ़ा है सर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी बताया था मैंने, बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन कर रखी है एडमिशन में, अगर वीडियो नहीं देख लिया देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है IFF और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, आधी आधी घंटे की वीडियोस हैं दोनों पे, जरूर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिजर्व अगेंस्ट असेट या लायबिलिटी है, वैसे मैंने बता दिया अगर अगेंस्ट असेट या लायबिलिटी होता है हम रिजर्व वर्ड यूज ना करके क्या यूज करेंगे, फंड। तो ये जो है हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका लॉजिक वो बच्चे समझ जाएंगे जिन्होंने मेरी IFF और वर्कमैन कंपनसेशन फंड की वीडियो देख ली है, और अगर आप सीधे ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, पहली बता रहा हूं। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने वो वीडियो देख ली है, याद करो IFF या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसके अगेंस्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इसके अगेंस्ट लायबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकती है। तो पहले हमें यहां से अमाउंट सेट ऑफ करना पड़ता है, तो इसलिए सीधे पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटा, इसलिए मैं सीधे पहले से कहां लेके गया, रियलाइजेशन में। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे बताओ, इसके लिए हमारी एंट्री होगी पूरा बैलेंस, कुछ भी वो बोले कि इतनी लायबिलिटी है उतनी लायबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। IFF डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू रियलाइजेशन, सीधा फुल अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, ये कौन सा अमाउंट है, फुल अमाउंट अपीयरिंग इन बैलेंस, सारा का सारा उठा के बिना सोचे समझे और दिमाग लगाए बिना आपने ट्रांसफर कर दिया उसे रियलाइजेशन। ये बात आपको मेरी समझ में आती है, तो IFF का भी ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज बता दूं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो आप, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में, ये पता नहीं, मैं देखता हूं बच्चे कंफ्यूज क्यों जाते हैं। वैसे अगर आपने मेरी इको की नेशनल इनकम की वीडियो देख ली है, खासकर इनकम मेथड वाली, आपको EPF पता होगा क्या होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट की तैयारी करता है और रिटायरमेंट पे एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए एडवांस में पैसा इकट्ठा किया जाता है, याद है। तो EPF जो है वो एक तरह की लायबिलिटी होती है, ठीक है, जिसको कंपलसरी रियलाइज करना है, मतलब क्वेश्चन में नहीं भी कहेगा तो भी आपको इसकी पेमेंट करनी है। तो इसकी एंट्री होगी क्या बताओ, EPF जो है वो पहले रियलाइजेशन में जाएगा और फिर जाने के बाद उसकी हम पेमेंट करेंगे, दैट इज रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। समझ में आई बात, लेकिन IFF और WCF ये लायबिलिटी नहीं है, डिफरेंस है, ये फंड अगेंस्ट असेट है, तो इसका कोई रियलाइजेशन नहीं होगा, कहीं इसको भी कैश में ले लो, ये सिर्फ आएंगे रियलाइजेशन में, इसका कोई रियलाइजेशन नहीं होगा, अनटेनलेस क्वेश्चन में कुछ और ना लिखो। EPF के बारे में बोला है, EPF क्या कोई भी लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर है, EPF भी लायबिलिटी है, इट्स नॉट अ फंड, इट्स नॉट अ रिजर्व, EPF एक लायबिलिटी है जो एम्प्लॉयर को पेमेंट करनी होती है, एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, स्टैट्यूटरी पेमेंट है, लीगल कंपल्शन है, देनी पड़ती है। जो भी लायबिलिटी उसके बारे में क्वेश्चन में कहे या ना कहे, हमेशा आपको उसको रियलाइज करना है, ये बात ध्यान रखो, आप नोट लिख लो, वेदर और नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, whether or not specified in question,
liability will always be paid off. Liability को हमेशा pay off करेंगे. However, if nothing is specified about realization of particular asset, अब suppose patent है, question में generally होता है, और उसके realization के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो अपना दिमाग मत लगाना, उसको realize नहीं करना फिर. However, if nothing is specified about realization of particular asset, then no need to realize it. आपको उसको realize करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं है. But अगर liability के बारे में नहीं बोला, तो आपको उसको हमेशा payment करनी पड़ेगी. यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आती हैं? पार्ट टू में थोड़ी टेक्निकल बातें थी, कमीशन को लेके, रिजर्व्स को लेके, फंड्स को लेकर, और चौथी बात मेरी हुई असेट के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या करना है, और लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या करना है. समझ में आ गया? इसके बाद क्या होगा, जो भी आपके रियलाइजेशन से प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएंगे, अब ध्यान से समझना, क्लोजिंग कर रहा हूं क्वेश्चन की, प्रॉफिट और लॉस from realization will be transferred to partners capital account सबसे पहले, and realization account will be closed. आपका जो realization account है वो क्या हो जाएगा? Closed. अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है realization account का नेचर क्या है, तो आप लिखोगे realization account is nominal account. वैसे तो ये memorandum account है, but चलो कुछ नहीं होता, 11th-12th में जो requirement है, या हर board ने obviously से nominal बोला हुआ है, कभी debate होगी तो उन्हें proof करेंगे कि memorandum में nominal नहीं है. चलो, आपको एग्जाम में लिखा है ना, realization account is nominal account अगर पूछ लिया गया, तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो किसके बीच में बांटेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के बीच में. ठीक है, इसके बाद बैलेंस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ये जरा ध्यान से, बोरिंग लग रहा है थोड़ा सा लेकिन लिखो इसे जरा, बैलेंस फ्रॉम कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी सेटल्ड. सेटल्ड मतलब पे कर देंगे हम उसे, और माइट बी पेमेंट ना हो रही हो, या तो पे होगी या पार्टनर विल ब्रिंग द कैश, ऐसा भी हो सकता है. वैसे तो जितने आपके पास क्वेश्चन है उसके अंदर हम पार्टनर को पेमेंट ही कर रहे होते हैं, बट माइट बी बोर्ड में ही सीधे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कैश का बैलेंस हम पे करने की जगह उल्टा पार्टनर से हमें लेना है, तो वो फिर उतना कैश लिया आएगा. और लास्ट में फिर हम देखेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट विल गेट टैली, वो जो है हमारा टैली हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन ठीक होगा. तो आपने देखा पूरे डिसोल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अब मेरे साथ देख लिए, अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब बता दी. अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, अब वो आज करवा पाता हूँ या नहीं ये तो नहीं पता, बट करवाऊंगा, एक पार्ट और रिकॉर्ड करूंगा जिसमें जर्नल और उसके बाद लेजर करवाऊंगा. तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपको दिक्कत नहीं आ सकती, जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी. एंड अगेन, वीडियो पसंद आई लाइक करो, और एक चीज़ छोटी सी और, हमारा आप जब गूगल पे जाते हो एक ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आप जब डालोगे, मैं लिख देता हूँ, या मेरा नाम भी आप डालोगे चंदन पोद्दार ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी, तो जैसे ही आप ये डालोगे तो गूगल रेटिंग्स के लिए पूछेगा आपसे, प्लीज़ जो भी आपको लगता है जेन्युइन उसे करो रेट, जो भी आपको कमेंट लिखने हैं वहाँ पर लिखिए. फेसबुक पर भी आप मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या मेरा ग्रूमिंग का ऑफिशियल पेज है ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी, उसको जाके आप लाइक करो,
लेटेस्ट नोट्स अपडेट्स सारी वहीं पर आएंगी सबसे पहले आपको, उसके बाद आपको यूट्यूब पे कुछ पता लगेगा। तो उसे आप सबसे पहले जाकर लाइक करो, मेरे से भी आप फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और बार बार मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग द नॉलेज अपने फ्रेंड्स के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को फैलाओ ताकि वो भी अवेयर हो सके अबाउट द बेटर नॉलेज, अबाउट द बेटर सर्कमस्टांसेस। और किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक आपको मुझे देना है, मोस्ट वेलकम फॉर दैट। कमेंट में लिखिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9953633448, ओनली व्हाट्सएप प्लीज़। आपको पता है हर समय कोई ना कोई रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो कॉल पिक नहीं हो पाते, एक्सेप्शनल केस में पिक हो पाते हैं। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, टेक्स्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गूगल पे रेटिंग, फेसबुक, और कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग द चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।